हेलो 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 फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। सो गाइस, टुडेज आवर टॉपिक इज डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके पहले के टॉपिक में हमने रिलेटिव डेंसिटी फाइंड की थी ऑफ सब्सटेंस, बट हियर वी फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू सिंपल डी सब्सटेंस। यहां पर वेट ऑफ दिस सब्सटेंस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेट of a given volume of liquid, जो भी लिक्विड है उसके लिए क्लियर रिलेटिव डेंसिटी है, क्योंकि उसमें लिक्विड अलग होगा फिर वाटर भी अलग होगा, तो यहां पर लिक्विड की बात की है। सिमिलरली वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, सिंपल क्लियर ओके। इसके अकॉर्डिंग अगर दूसरी फॉर्मूला लिखनी है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारी है, एक टर्म से दूसरे टर्म ले जाएगी। सो रिलेटिव डेंसिटी नाउ कौन से फॉर्म में लिखना है, तो दैट फॉर्म इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्पर्स बाई दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जितना भी लिक्विड डिस्पर्स किया है उसका वेट अपॉन वेट ऑफ वाटर डिस्पर्स बाय सेम ऑब्जेक्ट। समझो, एक ऑब्जेक्ट है, उसको पहले ये जो लिक्विड है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, क्लियर। तो उस ऑब्जेक्ट को जब उस लिक्विड में हम लोग इमर्स करेंगे और जो लिक्विड डिस्पर्स होगा उसके अराउंड, उसका वेट अपॉन उसी ऑब्जेक्ट को ड्राई करके, ड्राई क्लीन करके फिर पानी में डालना है, और पानी भी डिस्प्लेस होगा, तो दैट डिस्प्लेस वाटर वेट दैट इज इन डिनोमिनेटर, क्लियर ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गई। अब हमें क्या करना है, तीसरी फॉर्मूला है। तीसरी फॉर्मूला में रिलेटिव डेंसिटी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है इस फॉर्मूला के लिए। पहले हमें एक सब्सटेंस लेना है, उसका वेट फाइंड करना है, दैट वेट इज W1। सो W1 इज द वेट इन एयर, सिंपल ओके। फिर एक लिक्विड लेना है, जिस लिक्विड का हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है वो वाला लिक्विड। सो नाउ उसको हमें क्या करना है, फिर से वही सब्सटेंस लेके उसको उस लिक्विड में डालना है, फिर से वो लिक्विड क्या होगा, सबमर्ज होगा, डिस्पर्स होगा उसके अराउंड, उसका वेट फाइंड करना है। सो वेट ऑफ लिक्विड, so weight of liquid, what liquid dispersed by object, तो ये क्या हो गया W2। ये जो वेट है किसका वेट है, वेट ऑफ सब्सटेंस का, बट इन साइड एयर। अब तीसरी बात होगी फॉर W3, एंड W3 इज द वेट ऑफ वाटर dispersed by ऑब्जेक्ट, क्लियर, सेम ऑब्जेक्ट है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सो नाउ आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो दैट इज, देखो ध्यान से, W1 माइनस W2 लिक्विड वाला अपॉन W1 माइनस W3।
तो ये हो जाएगा लिक्विड की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने की फॉर्मूला। तो जब कभी भी ये फॉर्मूला हमें रिक्वायरमेंट हो कि सपोज के हमारे पास W1 है, W2, W3 है, तो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगानी है। क्लियर? सो दैट्स अवर फॉर्मूला, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दैट्स अवर टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर व्यूइंग माई वीडियो लेक्चर टिल दी एंड। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल।